हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों कतर ने लुटाया अपना पैसा फीफा वर्ल्ड कप पर। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐसा तो हम सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि 20 नवंबर 2022 से कतर में शुरू भी हो चुका है। यदि कतर की जनसंख्या की बात करें, साथ ही और क्षेत्रफल की भी बात करें, तो बहुत ही छोटा देश है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसके प्रति व्यक्ति का आय धनी देशों में से एक है। क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? जिसका मुख्य कारण है, इस देश में गैस का बहुत ज्यादा भंडार है, जिसको ये बेचकर भारी मात्रा में पैसा कमाते हैं। आपको बता दें कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अपने देश में आयोजित करने के लिए 220 बिलियन डॉलर निवेश किए, लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में इस खेल का कोई आसितत्व ही नहीं रहा, फिर भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर स्पेंड 220 बिलियन डॉलर इतना पैसा खर्च क्यों किया? इतना ही नहीं, इसके साथ ही कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर अन्य देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं। कतर द्वारा फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करने का मुख्य कारण है कि पूरी दुनिया के लोग को अपने देश कतर में बुलाना। जैसे यूएई ने दुबई को भी करके पूरी दुनिया के लोगों को अपने पास बुला लिया है। यूएई कहता है कि अगर हमारे पास तेल गैस खत्म भी हो जाएगा, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अपने देश को पूर्ण तरीके से विकसित कर चुके हैं, जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था को भविष्य में कोई खतरा नहीं है। ठीक वैसे कतर भी चाहता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के जरिए पूरी दुनिया को अपने देश में बुलाकर उसे अपना विकसित देश दिखा सके, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ऐसे देशों के लिए खतरा है जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से केवल तेल गैस जैसे पदार्थ पर आधारित हो। और यही कारण है कि कतर इस आयोजित वर्ल्ड कप के जरिए अपने देश में कतर 220 बिलियन डॉलर खर्च करके पूरे विश्व के लोगों को अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप के जरिए बुला रहा है, जिससे भविष्य में इनके यहाँ पर रिटर्न ट्रेवलर्स आ सके और इनकी अर्थव्यवस्था गैस जैसे पदार्थों पर न टिकी रहे। क्योंकि 2018 में रूस द्वारा आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के दौरान रूस में करोड़ों लोगों के जाने के कारण वहां की अर्थव्यवस्था को भारी मात्रा में लाभ हुआ था। और इस वर्ल्ड कप का मेजबान जब से कतर को दिया गया, तब से कतर में 300 बिलियन की अवसंरचना परियोजना पूरी हो गई है, जिससे कि कतर की अर्थव्यवस्था को इस वर्ल्ड कप के दौरान 17 बिलियन डॉलर का लाभ मिलेगा, जो कि कतर की जीडीपी का 10% होगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में ही क्यों आयोजित की जा रही है। आशा है आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।